स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिमशा खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि अवैध उत्खनन माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक ऐसा ही मामला विदिशा जिले की तहसील कोरवाई बेतवा नदी का सामने आया है, जहां पर रसूखदार लोगों द्वारा पंडुप्पी डालकर रेत का अवैध उत्खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है, जिसकी ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। सब कुछ जानकर भी जिम्मेदार अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारी दाम या दबाव में कार्य कर रहे हैं। जी आप देख सकते हैं इनके द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? अभिषेक। किसका चल रहा है ये काम? सब खान का। किसका, क्या नाम है आपका? सतपाल साहब। सतपाल जी, ये किसका काम चल रहा है? खान का। कौन सी खान? ये नाम पूरा पता नहीं, नाम खान जब बचते हैं। एम आई खान हाँ सर, इश्तियाक खान जो हैं जी। ये एम आई खान के द्वारा इन्होंने बताया, सतपाल जी ने। ये अभिषेक हैं। अभिषेक बेटा कहाँ के रहने वाले हो? सीपरी के। तो यहाँ पे क्या बोट चला रहा है पनडुप्पी, या फिर आप जैसे ये पोकलैंड मशीन आप ये देख सकते हैं, ये पोकलैंड मशीन है, ये पोकलैंड मशीन है। ये आप रेत देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ रेत को निकाला गया। कर सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज इंडिया 4 चैनल की सारी खबरें आप तक पहुंच सके।